हाय फ्रेंड्स, सहारा किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे नए तरीके से मछली बनाने का बहुत ही आसान तरीका, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा और खाने में एकदम टेस्टीदार बन के तैयार होता है। तो यकीन मानिए, ये आजमाया हुआ तरीका है। इस तरीके से एक बार मछली बनाएंगे तो 100 साल इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे, बहुत ही अच्छा लगता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए, मछली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एकदम ताज़ा मछली लिया है और मछली को मैंने अच्छे से धो लिया है। तो ये मछली जो है अक्सर गांव में पाया जाता है और मछली का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एक मछली जो है ये है मंगूरी, बहुत ही मीठा होता है मंगूरी, खाने में एकदम लाजवाब लगता है। तो अब इसको हम साइड में कर देते हैं। और मछलियों में देखिए कौन कौन सा मैंने मछली लिया है, गरई, टेंगना और सुम्हा, ये 3-4 किस्म का मछली है जो हम एक ही में मिक्स करके बनाएंगे। तो गांव में इसी तरह से मछली बनाया जाता है, पांसुल से उसको साफ किया जाता है, उसके बाद इसको अच्छे से धोना पड़ता है। तो मछली में थोड़ा सा मैंने गेहूँ का आटा डाल के अच्छे से धो लिया है, उसके बाद इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक मिक्स करके 1/2 घंटा के लिए छोड़ दिया था। तो अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए तवा मैंने गरम कर लिया है और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने लिया है चने का बेसन, आप चाहे तो गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं और एक एक करके मछलियों को इस तरह से बेसन में या गेहूँ के आटा में लपेट के रख सकते हैं। तो इसी तरह से सब मछलियों में हम लपेट लेते हैं बेसन को, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए, तवा में मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है, आप जो तेल खाते हैं वो डाल सकते हैं। उसके बाद एक एक करके सब मछलियों को डाल दिया है और नीचे हल्के से सिक जाने देंगे। गैस को हाई फ्लेम पे मछलियों को फ्राई करेंगे, कोई भी मछली हो तो गैस को हाई फ्लेम पे मछली को फ्राई करेंगे तो मछली जो है टूटेगा नहीं और एकदम ताज़ा ताज़ा की तरह से फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से मछलियों को पलट देंगे और नीचे भी हम हाई फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद गैस को हल्की सी मीडियम रखेंगे। ये सब मछलियों को मैंने पलट दिया है, जब तक फ्राई हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं मसालों में क्या क्या चाहिए। 2 प्याज जिसका मैंने मोटा पीसेस में कट किया है और 2 गांठ लहसुन जिसको मैंने छिलका निकाल दिया है। 1 टमाटर मैंने लिया है, आप चाहें तो टमाटर के जगह पर आम का खटाई भी ले सकते हैं। 4 बड़े चम्मच ये सरसों लिया है मैंने। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस के तरफ। तो देखिए, जो मछली मैंने फ्राई करने के लिए रखा था वो मछली को मैंने निकाल दिया है और ये टेंगना और सुम्मा मछली है जिसको हमने फ्राई किया है इस तरह से। और यहाँ पे है वो मछली जो मैंने फ्राई किया था, ये देखिए इसको निकाल दिया है और इसी मछली में हम इसको भी निकाल के रख लेते हैं। तब हम कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में हम डाल देंगे फिर से सरसों का तेल। मैंने पहले भी बताया, आप जो तेल खाते हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से मछली हो या मटन चिकन बहुत ही बेहतरीन बनता है। तो लहसुन और टमाटर को हम पहले डाल देंगे, साथ में ही हम डालेंगे ये प्याज। तो प्याज डालने के बाद अब इसे चलाते हुए फ्राई करना है, 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे और गैस को हाई फ्लेम रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसका कलर जो है हल्की सी चेंज हो गया है, तब इसे हम निकाल देंगे और निकालने के बाद इसको फैला के रखेंगे ताकि ठंडी हो जाए। तो यहाँ पर हम इसे रख देते हैं और ये देखिए, जो सरसों मैंने आपको दिखाया था मिक्सी जार में रख दिया है और इसी में हम ये प्याज, टमाटर और लहसुन भी डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाला जो है अच्छे से पीस जाए, उसके बाद इसे कवर करके पीस लेंगे। तो जिसमें मैंने फ्राई करके रखा हुआ था टमाटर, प्याज और लहसुन, उसी कटोरे में हम रख देते हैं मसाले को। और इसी में हम डालेंगे 1 चम्मच से थोड़ा सा कम है गरम मसाला, ये कूटा हुआ गरम मसाला, आप किसी भी ब्रांड की गरम मसाला ले सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे इसमें काश्मीरी लाल मिर्च। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास काश्मीरी लाल मिर्च है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। काश्मीरी लाल मिर्च डालने से क्या होता है, चिकन मटन हो या मछली उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिला दिया है, अब हम चलते हैं गैस के तरफ। तो जिस कढ़ाई में मैंने फ्राई किया था लहसुन, टमाटर और प्याज, उसी में हम डालेंगे सरसों का तेल और गैस को हाई फ्लेम पे तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे देखिए, तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया है, तब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच मेथी दाना, 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। इसका कलर अच्छे से चेंज होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कलर चेंज हो गया है, गैस को मीडियम रखेंगे, उसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। तो जो मसाला अभी मैंने तैयार करके रखा हुआ था उसको डाल देंगे और इसे चलाते हुए भून लेंगे। तो इसे लगातार ऐसे चलाते रहना है, गैस को मीडियम रखना है, एकदम हाई फ्लेम पे मसाले को नहीं भूनना है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम इसको चलाते हुए भून लिए हैं। तो मसालों में तेल छोड़ना शुरू हो गया है, तब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और इसे चला के अच्छे से मिला देंगे। गैस को मीडियम रखेंगे और 1 मिनट के लिए और मिला के भून लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से भुना गया है। तब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी मैंने एक गिलास डाला है पहले। अब इसको चला के अच्छे से मिला लेते हैं ताकि पानी और मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे एक गिलास के करीब और पानी डाला मैंने, मिला दिया। अब इसे हाई फ्लेम करके कवर करके छोड़ देते हैं ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। तो ये देखिए 5 मिनट हो गया है और इसमें अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है। तब इसका ढक्कन हटाया मैंने। अब इसमें हम डाल देते हैं ये फ्राई किया हुआ मछली। मिला देंगे इसको अच्छे से और गैस को हाई फ्लेम रखेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो 5 मिनट होने के बाद इसका ढक्कन हटाया मैंने। ये लीजिए लाजवाब मछली बनके तैयार हो गया है। रोटी के साथ या चावल के साथ आप इसे भरपेट खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गरई सुमा और टेंगना मछली बनाने का तरीका आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और इसे गर्मा गर्म परोस के खाइएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो ये मछली बनाने का तरीका आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।